आज के बाद टोजू भी आदर्श में जाने लग गया क्या? हाँ भाई। सच में? हाँ। इधर मुंह कर एक बार। इसने अपना स्कूल चेंज कर लिया, सिटी को छोड़ दिया, आदर्श में चला गया। कोई रीजन? रीजन वो सीबीएसई था, यो एचबीएसई। मदर है? कौन है? कौन की लग है तेरा? तेरा की लग है? यो ये किसने पूछ ले? तैं बता, तेरा कौन मेरा? बता दो। एक मौका तो फूफा लग है। हर एक मौका। एक मौका। ये तुम्हारे पति देव की बहन के पति हैं। हाँ। तो तुम्हारे क्या लगे? मेरा कुछ भी नहीं लगता। ले देसी घी का चूरमा फूफा जी को खिलाते हैं। हेलो दोस्तों, तो भाई आज हमारा तीसरा दिन है व्लॉगिंग का, और आज मैं जा रहा हूँ खेत में। मेरे साथ एक गुग्गो, क्योंकि आज संडे था ना इसलिए गुग्गो की छुट्टी थी, मेरे साथ ही खेत में जा रहा है। मेरे हाथ में रोटी है, रोटी खा लेंगे भाई दोपहर को, और वहाँ पे लकड़ियाँ बांध देंगे, और गेहूँ की फसल और सरसों की फसल कट रही है, अब कंपेन भी शुरू हो जाएगी। क्यों भाई? हाँ। आज गुग्गो पहले खेत देखेगा क्या आज? हेलो भाई, ये भैया यहाँ पर काम करता है हमारा दोस्त। इतनी बड़ी बड़ी मोटर है, बांधना आ गया इन्हें सब कुछ। कितना? 30 HP का। 30 HP निकालने में दम लगता है इसमें? अच्छा, तो लगे रहो। आपकी वीडियो देखा रहो। थ्री फेस मोटर। थ्री फेस में क्या होता है? इसमें टू फेस थ्री फेस में क्या डिफरेंस है? दो डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस। मैं बता नहीं सकता, पता नहीं है मेरे को। ग्लोब है कांच का, इसके ऊपर पूरी पृथ्वी, मैं पूरी पृथ्वी अपने हाथ में लेके घूमता हूँ, ऐसे घुमाता हूँ पृथ्वी को, रोल करता हूँ। सही है ना? वो पूरी पृथ्वी है मेरे हाथ में। छोरा देख ले हरियाणा का, भाई तू मंडाणी बालक से है। ये मापा तो बन गयो रे। आप आ रहे? हाँ, इस गोलो में। हाँ माँ, हाँ यो गोगो खड़ा, यो मैं खड़ा, यो भाई, यो भाई खड़ा, यो अपनी दुकान रही, यो अपना दोस्त खड़ा, इस ग्लोब में यहाँ पास सारे। शेरू शेरू, या भाई अपना बहुत पुराना कुत्ता है यो। शेरू शेरू शेरू, अच्छा रे अच्छा रे। यो सबसे पहले मारे खेत में यो कुत्ता होया था भाई, फिर यो ठिकाना छोड़ गया था, लेकिन भूलिया नहीं आज थी यो। याद है? देख ले ना, याद है ना इसने? शेरू शेरू आड़े रहो है यो, आस पास में रहो है। शेरू है भाई, यो बढ़िया चौरा है अपना। ओ भाई शेरू, देखा मैं इस तरह कम से कम भी 8-9 महीने बाद में मिला हूँ। अरे 8-9 महीने बाद में मिला हूँ, और मिलता रहूँगा इस बीच बीच में। बड़ा हो रहा है यो, 3 साल का है यो। अच्छा ये शेरा, ओ शेरू देख ले भाई, आदमी भूल जाए लेकिन ये नहीं भूलिया करते। शेरा शेरा, सारा रास्ता खराब हो रहा है। नेशनल हाईवे निकल लग रहा है हमारा आड़े खेता में को, सारा रास्ता खराब कर दिया। क्यों भाई गोगो? यही हो, सब उबड़ खाबड़ कर दिया। इतनी अच्छा रास्ता आ गया था ईट आट का, लेकिन भारी भारी ट्रक और ये इतनी बड़ी बड़ी मशीन टपिन है, सब के मैं नीचे बिठा दिया। देखिए ईट किस तरह टूटी फूटी होगी, सारा रास्ता ऊपर नीचे हो गया भाई। इसे ठीक कराना पड़ेगा भाई, जिदे बात बनेगी नहीं बात नहीं बनेगी। सामने देख मशीन आएगी। हाँ तो पैदल ही चलने लग रहे हैं। क्यों भाई? और देसी माना सर जाने के भाई, रोड का काम बढ़िया चल रहा है, मट्टी मुट्टी गेन लग रहा है, एक नंबर फुल। आड़े भी आड़े आड़े भी रोड बनेगा भाई, आसी में भी कम है। हाँ फिर आड़े को आप बहुत सारी वीडियो बना पाओगे। देख लो भाई कितना वजन उठा रखा है इसने। अरे ये बेल्ट भाई देख लो, इतनी मजबूत हो गई है, बहुत ज्यादा मजबूत है। ये नाम इसका मकोड़ा। हाँ। कैटरपिलर बाजा बहुत है भाई, घूम जाएगा। छह टायर है भाई इसमें। कोरी
चल गया वे कुरी ए कुरी है अच्छा भाई सुनना अच्छा भाई चलो भाई चलो आ जाओ भाई आ जाओ भाई कुरी भाई अच्छा भाई कुरी भाई अरे कुरी भाई ठंडा ठंडा पानी पी लिया भाई मजा आओ ना भाई कुएं का पानी में कुरी पीऊगा के आ रहा कुरी पानी पीऊगा के अच्छा भाई अरे कुरी पानी पीऊगा पानी वो देखो भाई सामने नील गाय गेहूं में से भाग रहा है पूरा बेटे रोज ए बेटे वो रे भाई वो गया भाई नील गाय रोज गया करा भाई इन मैं हरियाणा में हेलो मंदिर चला ला भाई मैंने ट्रैक्टर भी चलाना हो भाई ये भी लाकड़ी भर लेंगे ट्राली फुल अपनी ये लाकड़ी बन रही चलो ठाओ भाई लाकड़ी मियो लाए तनु जने लागो लागे चाची हाँ ये ले भाई ये ताली पांच लाए जा तो कोई उठे हो ले वो लिया डंडी ला भाई तोड़ ले लाकड़ ले आमी अपने लेकर लिए हो हाँ और हाँ हाँ